आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। आपने निश्चित रूप से कभी न कभी ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किसी न किसी के माध्यम से सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि जल ही जीवन है। भोजन हमारे लिए जीवन नहीं कहा जाता, लेकिन जल को जीवन कहा जाता है। और आपने थंबनेल पे लिखा पढ़ा, क्यों हुआ शुद्ध पानी खराब, क्या पानी खरीद कर पीने की चीज़ है? तो दोस्तों, मैं पूछना चाहूँगा कि कल हमें पानी खरीद कर पीने की ज़रूरत पड़ती थी? तो जवाब आता है नहीं। लेकिन वही प्रश्न को वर्तमान समय में अभी किया कहा जाए, पूछा जाए कि क्या अभी पानी खरीद कर पीना पड़ता है या नहीं, तो जवाब आता है हाँ, पानी हमें खरीद कर पीना पड़ता है। चाहे हम घर पे हो या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन, फ्लाइट्स, बस वगैरह से, तो हमें 20 रुपये प्रति लीटर पानी खरीद करके पीना पड़ता है, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी खतरे का विषय है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं हूं अमराज और आप देख रहे हैं यूथ नेटसर्प कैरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस का वीडियो आपके पास लगातार जा सके। दोस्तों, पूछना चाहूँगा कि क्या पानी खरीद कर पीने की चीज़ है? वाकई में अगर अपने आप में ज्ञान के दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से सोच करके देखिए कि पानी खरीद कर पीने की चीज़ नहीं है, क्योंकि पानी भगवान ने वो सभी कीमती चीज़ जो मनुष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, उसको ईश्वर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। लेकिन दोस्तों, पानी खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है, आप इसी कारण को जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक करके देखना शुरू किया है। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप करके भगाना या बीच में छोड़ना ये उचित नहीं होगा, ताकि आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए उस कहानी को हम पूरी तरह जानते हैं। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था, और 1970 के बाद, 1970 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति या केमिकल क्रांति, उससे पहले देश के आज़ादी के समय में 36 करोड़ की आबादी थी, जबकि 1970 आते आते लगभग 70 करोड़ की आबादी पार हो गई। दैट मीन्स लगभग दोगुना आबादी हो गई, और उत्पादन सीमित था, और काम करो या ना करो खाना तो सबको पड़ता है। और यही वजह से 1970 के दशक में हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आई थी, जिसको आपातकालीन कहा गया। और उस समय में भूखमरी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देते हुए और देश के वैज्ञानिकों को कहा गया कि इस पर किसी तरह नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उस समय में उस भूखमरी पर काबू करने के लिए एक उपाय निकाला, और उसी दौरान रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फेट वगैरह वगैरह निकाला गया, और धीरे धीरे फिर उसका जो है सो विस्तार किया गया। तो उसी दौरान क्या हुआ कि शुरुआत में किसानों ने केमिकल का और हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया, तो सीमित जगह पर ही दोगुना से तीनगुना उत्पादन जो है सो लेना शुरू कर दिया, और एक से दो साल में ही भूखमरी पर 100% नियंत्रण हो गया। साथ ही साथ अनाज का भंडारण भी पर्याप्त हो गया। लेकिन किसानों को माइंड में यह बात जाके सेट हो गया कि हम केमिकल अगर डाल दिया जाए तो उत्पादन दोगुना तीनगुना आएगा और अच्छा आएगा, और यह मानसिकता किसानों का 1970 से लेकर के आज 2020 ख़त्म हो चुका है। 2021 में हम मतलब लास्ट पड़ाव पर जा रहे हैं, 2022 आने के कगार पर है, और ये पिछले 50-51 सालों से लगातार केमिकल का प्रयोग करने के वजह से आपको ये पानी खराब हुआ है। कैसे, आइए थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि किसान जब भी फसल लगाता है खेतों में, कोई भी फसल लगाता है, तो फसल लगाने से पहले जो क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, जुताई का काम करते हैं, उसमें कुछ न कुछ क्या क्या करते हैं कि रासायनिक खाद डालते हैं, चाहे वो खाद डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, सल्फेट जाए, डाई, जिंक, जो भी हो वो डालते हैं प्रत्येक मतलब फसल में, प्रत्येक सीजन में डालते हैं। और क्या होता है कि हम जो पौधा बोते हैं वो 40% केमिकल खाद जो
है वो अनाज में, सब्जी में, और गाय को जो हम चारा खिलाते हैं चारा के माध्यम से जो गाय खाती है, तो दूध भी केमिकल वाला ही आज आता है, अनाज भी केमिकल वाला, सब्जी भी केमिकल वाला, मतलब जो हम केमिकल मिट्टी में डाल करके जो उत्पादन लेते हैं उसका 40% केमिकल अनाज के माध्यम से, फल के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से मेरे पास आता है, हम खा करके बीमार हैं, पशु खा कर बीमार हैं। और 60% जो केमिकल का अंश है वो अंश धीरे धीरे मिट्टी में समाता चला गया, क्योंकि किसान जब केमिकल देता है उसके कुछ दिनों के बाद फसल का ग्रोथ के लिए सिंचाई भी करता है, और सिंचाई के दौरान जो पानी हमारे खेतों में जाता है वो 60% जो हमने खाद की बात किया वो 40% अनाज में, फल में, सब्जी में कन्वर्ट होकर हमारे पेट में चला जाता है, और 60% मिट्टी के अंदर में समा करके पानी के माध्यम से रिस रिस कर जमीन के धीरे धीरे पिछले 50 सालों से लगातार प्रयोग के वजह से धरती के सबसे निचली तली में केमिकल का प्रभाव चला गया, और भूतल के नीचे जो हम भूमि के नीचे से जल निकालते हैं वो उस तल पे जा करके पूरी आज पानी का जो लेवल है वो खराब हो चुका है, और यह केमिकल के वजह से मिट्टी भी खराब हुई, पर्यावरण भी खराब हुआ, और साथ ही साथ हमारा जल भी खराब हो गया, जिससे हम तो खतरा में हैं ही, हमारे देश के वर्तमान समय में जो भी पीढ़ी है सभी खतरे में है, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है। दोस्तों यही वजह से आज लोग 20 रुपया प्रति लीटर पानी खरीद करके पी रहे हैं। शुरू हुआ था 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, 20 रुपये का डब्बा हम खरीदते थे, 20 लीटर पानी मिलता था, मतलब 1 रुपये का 1 लीटर, लेकिन आज हम कहीं भी ट्रैवलिंग करने के दौरान आज लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी 20 रुपये में एक डब्बा मतलब एक लीटर पानी खरीद करके इस्तेमाल ज़रूर किए होंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि लाइक करिए, जो मन में प्रश्न उठ रहा है जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए, ताकि हम आपके भावना को समझ करके आपके प्रॉब्लम पर, आपके टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो को लेके आए। साथ ही साथ क्या फिर से पानी को शुद्ध करने की, मतलब रिसाइकल करने का कोई तरीका है, क्या फिर से पानी को शुद्ध किया जा सकता है, या अगर इस तरह का मन में प्रश्न है और आप चाहते हैं कि पानी को फिर से रिकवर किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप अभी कभी कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए कि सर पानी को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, इस पर भी एक टॉपिक बनाइए, और यकीन कीजिए मैं अगला वीडियो पानी को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, फिर से शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है, कितना समय लगेगा और वो कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरना होगा, क्या क्या करना होगा जिससे हमारा पानी फिर से शुद्ध हो जाए। पानी शुद्ध होने से पहले मिट्टी को शुद्ध करना होगा, दैट मीन्स मिट्टी भी शुद्ध हो जाए, और ये मिट्टी और पानी दोनों शुद्ध हो जाए इसका मतलब है कि हमारा पर्यावरण भी 100% सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों पानी कैसे खराब हुआ आज मैंने इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, पानी को रिसाइकल कैसे हो सकता है, अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं उस पर भी वीडियो का टॉपिक बनाकर लेके आऊँगा। लेकिन मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूं अगले बार अगले नए टॉपिक के साथ, नए मुलाकात में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।